शॉप का ज्वाइन करें, अभी तो बहुत बढ़िया कैमरे आ रहे हैं, तो आप पहले से ही वो करके जाओ कि कैसे फोटो निकाल सकते हैं। बाद में कंपोजिशन करते समय देखो, ये आपको लेयर्स सिखाए होंगे सर ने कि यहाँ पे फोटो में कितने लेयर्स ला सकते हैं हम, प्लस कंपोजिशन, वन ऑफ थर्ड, वन थर्ड आपको बोला होगा। वन थर्ड मीन्स नॉट जस्ट दिस पॉइंट्स, और ये भी वन थर्ड है, ये भी बोला होगा। और बाद में जो यूजनेस आता है, ट्राई करो, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखे अगर वेडिंग करते तो पहले सिर्फ क्लोज शॉट लेते, बहुत से लोग अभी भी जो कैंडिड के नाम पे सिर्फ क्लोज शॉट लेते, ये कैंडिड भी नहीं है, ये पोर्ट्रेट से। तो ट्राई करो वाइड शॉट्स भी लेने के। और एक मैंने एक चीज़ की थी, ट्राई करो आपका फोकल लेंथ, आपके पास अगर प्राइम लेंस नहीं भी होगी तो भी एक बार जूम लेंस को 35 पे लॉक कर दो। लॉक कर दो मीन्स उसको चेंज ही मत करो, 35 पे, 50 पे, 85 पे। और ट्राई करो कि एक दिन में उसके अलावा कोई भी फोकल लेंथ यूज ना करो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे 35 में हो गई, 24 में, उसमें वाइड जो एंगल से डिस्टॉर्शन बढ़ता है, राइट? तो डिस्टॉर्शन हम कैसे कम कर सके उसकी प्रैक्टिस होने लगती है धीरे धीरे, कि कैसे हम इलेवेंट्स का यूज करें, कैसे फ्रेम्स देखें। बहुत बार ऐसा होता है कि कम जगह में भी फ्रेम्स बहुत सारे होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है, क्योंकि हमें आदत होती है कि पीछे का बहुत शैलो डेप्थ में जाए तो लेंस जूम करे, तो लेंस जूम करते समय बहुत सारा चेंजेस होते हैं बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स में। और जब वो भी अच्छा है, आप वो भी करो, 200 mm पे भी काम करो एक दिन, क्योंकि उसमें भी फ्रेम दिखने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब मैंने एक वर्कशॉप में सुना था, तो मैंने वो भी ट्राई किया था कि आप 200 mm पे जाओ, वहाँ उस पर वाइड लेने की कोशिश करो, 200 mm पे वाइड। तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो जितना हम पीछे जाते हैं ना उतना एक एक फ्रेम्स दिखने लगते हैं। प्लस जैसे बोला ऐसे भी करो, जैसे मैंने 35 mm को बोला कि जितना क्लोज जा सके उसमें, क्योंकि हर जगह पे बहुत सारी जगह मिलती है ऐसा नहीं है फोटो निकालने के लिए, हमें कभी कभी कम जगह में भी क्रिएटिव काम करना पड़ता है, तो उसमें 200 mm काम नहीं कर सकते। तो ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, 24 mm पे एक दिन का पूरा करो, 35 mm पे पूरा करो, 50 mm पे पूरा करो। और ये भी बता रहा हूँ, अगर वेडिंग कर रहे हैं और जितना कैंडिड हम वाइड एंगल पे ले सकते हैं उतना जूम पे नहीं ले सकते, क्योंकि होता क्या है ना, अगर मैंने 200 mm पे किया तो बीच में लोगों की पीठ आती है, हाँ वो रिसेप्शन वगैरह रहता है तब हम उसमें ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे पोर्ट्रेट आ रहे हैं 200 mm पे, क्योंकि दूर से हम ले सकते हैं, रिसेप्शन में हम ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते। एक मिनट, सॉरी, मुझे निकलना है शूट के लिए, जस्ट आप लोग कंटिन्यू कीजिए, आपके दोस्त आपके सामने हैं, और कल पक्का एक बार वेलकम करता हूँ, कल पक्के बैचमेट भी है प्रकाश सर, ये तो अभी रोशन सर है जो कल मैंने स्टोरी बताई थी दादा, वो अपने रोशन सर हैं, आपके सब ठीक है। तो कल्पक नासिक में है, कल्पक आई थी कि इंट्रो किया रहेगा, लेकिन कल्पक नासिक में है और कल्पक फोटोज नाम का उनका ब्रांड है और नाम में ही कल्पक है, इसलिए उसकी कल्पकता इम्पोर्टेंट भी है। तो ये एक हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट किए आज से, कि जो जैसे प्रकाश सर रहेंगे, बाद में रोशन सर रहेंगे, तो जो जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट, तो उनका एक एक टॉपिक पर हम लोग सेशन करेंगे जिसमें वो माहिर है, मतलब मुझे लगता है कि उनका वो एक टॉपिक बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं, तो आगे जाके आपको भी आना है। और उसका टाइटल ही वो था कि प्राउड टू बी अ फोटो आर्टियन, तो उसमें फोटो आर्टिस्ट भी आता है और फोटो आर्टियन का स्टूडेंट भी आता है, दोनों बातें है। तो कल आए थे यहाँ पे और मैंने एक मौके पे चौका मार दिया, तो आज रिक्वेस्ट किया आप रुक जाओ और एक सेशन स्टूडेंट के लिए लो, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वही चल रहा है कंपोजिशन, राइट? और उसी टॉपिक पर अगर हम लोग
हमारे ही एक दोस्त का काम अगर देखे तो और इंस्पिरेशन मिलता है उस तरीके से काम करना। और आपको बेसिक्स पता चले, आपको पता है अभी बेसिक्स, फोटो देखने के बाद आप तुरंत अभी रोल ऑफ थर्ड या थर्ड पार्ट में आप जाने वाले हैं कहाँ पे कौन से एरिया में इसे सब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, राइट। बाकी जो उनका एक्सपीरियंस है वेडिंग्स में या वो लास्ट 3 से 4 साल हो गए वो प्रोफेशनली फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उनके वो एक्सपीरियंस क्या है, तो आपको एक एक फ्रेंड के जैसा यहाँ पे माहौल चाहिए। क्योंकि दोस्त जितना अच्छे से सिखा सकता है वो दुनिया में कोई अच्छे से नहीं सिखा सकता हर चीज, राइट। तो ये आपके दोस्त है। और आगे मैं चाहूँगा जो और दो लाइन में वो भी एक एक करके बाद में आ जाए यहाँ पे पहले बता के, ताकि ये बहुत बहुत ही हम लोगों ने कम टाइम में किया है, रात को अनाउंस किया और आज किया है हम लोगों ने, राइट। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। कल तक मैं निकलता हूँ शूट के लिए, आने के बाद मिलते हैं अगर आप रहेंगे तो, नहीं तो फिर मंडे बात करेंगे। हाँ चलो बाय बाय, एंजॉय एंजॉय द सेशन। तो आप तो ट्राई करो जितना हो सके ज्यादातर वाइड में ट्राई करो, वाइड में जो हम लेंस ले सकते हैं वो क्लोज में नहीं ले सकते। हाँ नो डाउट, अगर आपको जगह है उतनी तो आप जाओ 200 mm पे भी वाइड लेने की कोशिश करो। थोड़ा सा क्या होता है ना वो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया मैंने जब नई लेंसेस लिए, पहले मैं 24-70 2.8 पे काम कर रहा था, बाद में मैंने जब R6 लिया तो मैंने 35 mm 85 mm से 3 लेंसेज लिए 1.8 मेरा ज़्यादा इतना बजट नहीं था कि मैं सभी 1.4 था, लेकिन मेरा ऐसा भी था कि 1.4 लेने के लिए बाकी के लेंसेज भी बना लूँ, क्योंकि 1.8 इज इनफ नो डाउट, 1.4 का अलग मजा है, लेकिन एक एक स्टेप करके जाते हैं। तो मैंने 35 mm ली, ऐसा आज रोशन सर ने और हमने एक साथ काम किया था, तो हमने देखा था कि बहुत सारा काम हमने 35 mm पे किया था तब वाइड जो कैंडिड का काम था एक वेडिंग में, तो मज़ा आता है क्योंकि पहले तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है सब डिस्टॉर्शन दिख रहा है कि मतलब इतना फास्ट वो यूज टू नहीं होता, तो पहले अगर आपने काम किया तो बाद में यूज टू हो जाए। क्योंकि अगर मैंने बीच में एक ऑनलाइन सेशन किया था जोसेफ राधिक सर आप पहचानते होंगे, तो उनको भी किसी ने पूछा था कि आप क्या प्रेफर करेंगे अगर हमको फोटोग्राफी डेवलप करनी होगी या फिर जो भी हो, तो उन्होंने बोला था पहले तो कैमरा बॉडी को, उसमें बाकी कोई भी लेंस मत लो लेकिन 35 mm पे ले, क्योंकि उसमें हम सोचने पर लगते हैं कि यार ये तो डिस्टॉर्शन आ रहा है, फिर भी हमें प्रॉपर प्रोपोर्शनल पिक्चर चाहिए, क्योंकि 200 mm पे क्या होता है ना ज़्यादा डिस्टॉर्शन आता ही नहीं, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता 200 mm पे, और 35 mm पे लगभग हर फोटो में डिस्टॉर्शन आने लगता है आपको, ना तो अभी आपने बेसिक में पढ़ा होगा, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा सोचने लगते कि कैसे एलिमेंट्स पे यूज़ करें, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो वंस अगेन मैं आपको एक भाई की तरह बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करो। एक ब्राइडल पोर्ट्रेट किए तो इसमें भी मैंने 5 Mark IV यूज किया, लेकिन कैमरा का भी कैमरा मैटर आपको भी पता होगा मैटर करता है, लेकिन वो पहले हम कितना 80% अपना नॉलेज चाहिए, 20% बाद में इक्विपमेंट्स पे चाहिए। तो ये एक्चुअली शादी में नहीं लिए मैंने, तो एक मेकअप आर्टिस्ट था उसने कोलैबोरेशन किया था, जब वहाँ पे एक मॉडल बुलाई थी, मॉडल मीन्स नॉट ए प्रोफेशनल मॉडल, देखा कि कौन आ सकता है, कौन नहीं,
उसमें मेकअप वगैरह किया तो, और बाद में हमने लाइटिंग की थी।